गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल दिलकर शरान ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप लोग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मजे में ज़िंदगी काट रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं अभी अपने स्कूल के पीछे हूँ और क्या कहते हैं, यहाँ से हम बस पकड़ेंगे। आज हमारा दोस्त जिसका नाम है समीर, उसका बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं आज हम आज रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है, रेस्टोरेंट का नाम है जेल कैफ़े। ठीक है, जेल कैफ़े में जाने वाले हैं आज। तो गाइस, कुछ दोस्त मेरे वहाँ पर गाड़ी का इंतजार कर रहे, तो चलिए मैं अब उस दोस्तों से मिलवाता हूँ आपको और काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। ये देखिए गेट है स्कूल का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग मजे में। गाइस, अभी के 5:30 बज चुके हैं और हम यमुना विहार पहुंच गए हैं। तो चलिए मैं आपको रेस्टोरेंट में लेके चलता हूं। ठीक है, तो रेस्टोरेंट में चलेंगे हम। रेस्टोरेंट का सब कुछ भी बढ़िया तरीके से दिखाऊंगा मैं आपको। तो देखिए, वो तीनों बंदे मेरे ही हैं। एक का नाम आहद है, जो आहद को जानते हो आप लोग, और एक असद है, और एक क्या है, हाँ, फैजान, जो फ़ोन पर बात कर रहा है। तो जेल कैफे रेस्टोरेंट को ढूँढ रहे हैं अभी हम। उसके अंदर पता क्या क्या मिलता है, इटालियन भी है, इंडियन भी है, और वो क्या कहते हैं, चाइनीज़ भी मिलता है। ठीक है, वो तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन फर्स्ट टाइम उसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं हम। तो देखते हैं कैसा है व्यू। तो जब तक के लिए गाइस, अभी हम जेल कैफ़े के पास पहुंच चुके हैं। देखिए, ये जेल कैफ़े रेस्टोरेंट। ठीक है, और हम अभी इधर ही बाहर ही खड़े, क्योंकि हमारी पूरी टीम जुड़ नहीं चुकी है। एटेक्स पूरी टीम आ रही है। ठीक है, एटेक्स और फेमस है। आप इंस्टाग्राम पे एटेक्स सर्च करिए, इंस्टाग्राम पे एटेक्स सर्च मारोगे तो हम दिख जाएंगे। ठीक है, ये बंदे की बात करें तो देखिए, ये भाई हमारे असद भाई हैं। ठीक है, इस भाई ले तो हाई हेलो बोल सकते हैं भाई आप लोग। ठीक है, और ये हमारे फैजान भाई है, और ये हमारे आज भाई को तो जानते ही हो आप लोग। ठीक है, ये बहुत अच्छे बहुत गेमर अच्छे गेमर जो भी बोले बढ़िया है। लेकिन जो समीर, जिसका बर्थडे है आज, वो काफ़ी अच्छा बंदा है। उसकी बात करें तो भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त, हर जगह पे साथ देता है हमारा, तो ऐसा ही दोस्त होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोग कमेंट में बताना। तो गाइस, हम जेल कैफे के अंदर एंटर कर चुके हैं और चलिए उसमें। ये हमारे समीर भाई है, इसका ही बर्थडे आज। समीर भाई इधर। ओ भाई, इसका ही बर्थडे बहुत देर बाद आया, पहले बता दे रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा धोखा दिया है इन्होंने मेरे को, क्या बताऊँ बस। बाकी दोस्त लोग फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी कम है। वो असद भाई फोटो शूट कर रहा है। देखिए गाइस, ये पूरा खाने का लिस्ट। ठीक है, इसमें से हमने अभी बुक किया है चिल्ली पटेटो और चाउमीन और पोक बुक किया है, क्योंकि बस थोड़ी देर में आने वाला है। तो ठीक है, तो जब तक आता है उसके बाद मैं दिखाऊँगा। गाइस, ये हमारे लिए पोक आ चुका है अब। कोक पीते हैं, मजे करते हैं। मैं सच बताऊँ ना, यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी कम है। हमने कंप्लेंट भी की है, लेकिन वो सुन नहीं रहे, कह रहे कि भाई ख़राब है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो गाइस, ऐसे हमें काम चलाना पड़ेगा भाई। और फाइनली चिली पटेटो और चाउमीन आ चुका है। Thank you.
गाइस ये हमारा डिनर आ चुका है। देखिए ये क्या है, ये क्या भाई फैन भाई, फैन भाई ये क्या है? ये पनीर बटर मसाला है और ये क्या है, मलाई कोफ्ता, मलाई कोफ्ता है, बाकी रोटी वगैरह भी है, देख सकते हैं आप भाई। और हाँ ब्लॉगर हूँ मैं, पता है इधर पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। कैदी नंबर 3 इधर देखना जरा, कैदी नंबर 420 देखिए, कैदी नंबर 420 है। बाकी इंतजाम फुल ताज, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, सब मजे में थे और हम लोग अब खाना खाएंगे। ये कौन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट कोई नहीं होगा जब तक मैं नहीं आऊँगा, समझ रहे हो ना गाइज। हमारा डिनर हो चुका है, अब सैंडविच आ रहा है हमारे लिए। देखिए पूरा टेबल खाली हो चुका है, ये हमारे फैजान भाई बैठे हैं और मजे में ये मजनू
जिसका बर्थडे था आज, लैला बन के बैठे हुए लैला के इंतजार में। तो गाइस देखिए भाई साहब, अबे क्या यार, फोटो ही फोटो, मतलब हर जगह यार, जहाँ भी देखो फोटो फोटो, मतलब तभी नाम की चीज़ नहीं है, सच बताऊँ तुम्हें। 130 का ब्लॉग बनाइए, पेमेंट करने जा रहे हैं हम, ठीक है? तो लीजिए। फाइनली हम लोग पेमेंट करके बाहर आ चुके हैं, अब माहौल कुछ शांत सा हुआ। और अभी रात के कितने बज चुके हैं? 8:05 हो रहे हैं, ठीक है? 8:05 हो रहे हैं, ये यहाँ से निकलने वाले हैं मजे में। हम अपने इलाके यानी जाफराबाद में पहुंच चुके हैं और पार्टी सार्टी खूब धूमधाम से हुई है, कोई दिक्कत नहीं से है। बैंड बाजे बरात, बैंड बाजे तो कहाँ था, मस्त मजा आया, कोई दिक्कत नहीं थी। और जब तक के लिए